हे गाइस, तो ये है एक और सोलो रेड का गेम प्ले। भाई अगर आपने मतलब सोलो रेड खेला है तो बताओ कितना खेला है। एंड यहाँ पे जो है हम लोग भाई बढ़ते हैं एक और मतलब एक और रेड वीडियो में। देखो यार, वीडियो तो काफ़ी आएंगी इस बार रेड की, इसके बाद एक और आने वाली है बहुत तगड़ी सी। यहाँ पे अपन जो है प्रेडाजॉर्ड को कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि भाई एक बार में मेरे से प्रेडाजॉर्ड कम्प्लीट हुआ नहीं, क्योंकि जो मेरा मेगाजॉर्ड मॉडिफायर्स है वो 15-16 इसकी माँ का छोला साले स्कूटी वाले। भाई सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मेरे घर पे जो गेस्ट आए हुए हैं तो मैं घर पे वॉइस नहीं कर सकता था। एडिटिंग तो चलो मैंने जैसे तैसे ऐसे वैसे कर ली थी, लेकिन भाई मेरे को आउटडोर ही वॉइस करना पड़ा, क्योंकि वीडियो डालना भी ज़रूरी है। अगर मैं सोलो रेड का अभी वीडियो नहीं डालूंगा तो वो वीडियो की मेहनत जो है वो मेरी बेकार हो जाएगी, क्योंकि सोलो रेड ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, अभी अलाइस रेड चल रही। तो आई होप यार आप लोग समझेंगे। एंड मेरा वीडियो डालने का मकसद बस इतना है कि आप लोग इन्जॉय करें, देखें बस। बाकी लेट आए या कुछ भी आए, मतलब देर आए या दुरुस्त आए, कम से कम वीडियो तो आए, समझ रहे हो। रेगुलर वीडियो डालना ही मेरा कर्म धर्म और मेरी पूजा है, नहीं पूजा तो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम बता रहा था मैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग बोम बाम प्रेडाजॉर्ड को भर दिए हैं, ओके। तो यहाँ पे भाई साहब चल रही है धंधा पाने की बातें, तो चलिए धंधा शुरू करते हैं। लेजेंडरी रेंजर निकालने का सबसे बड़ा धंधा, ओ भाई साहब नौकरिया। तो भाई मेरे को अभी किसी ने बोला कि ग्रुप में, इंस्टाग्राम के ग्रुप में, कि भाई नौकरिया के 9 शार्ड हैं। मेरे को याद नहीं कि किसने बताया था, शायद मेरे अजय भैया ने बताया, शायद अगर सुन रहे हो भाई कि तुमने बताया था तो मेरे को कमेंट में बताना कि मैंने बोला था। उनके पास नौकरिया के 9 शार्ड हैं और उनको एक शार्ड कहीं से नहीं मिल रहा है। तो भाई मैं अन्य वालों से दरख्वास्त रिक्वेस्ट और प्रार्थना करूँगा कि भाई ये एक शार्ट जो है वो हमारे उन भाई को दे दो, ताकि उनकी नौकरियाँ अनलॉक हो जाए। भाई प्लीज़ भले ही मुझे असिस्ट दे दो, क्योंकि मेरे पास असिस्ट नहीं अनलॉक है, समझ रहे हो। हम लोग दुआ मांगेंगे और दवा भी नहीं, दवा तो मेरे को नहीं चाहिए फिलहाल मेरा। अरे भाई साहब क्या स्ट्राइक आउट करते हो, जमा ही बेकार करते हो भाई। तो बिल्ली को भर रहे हैं, 7,30,000 की हेल्थ है भाई, ओ हो हो। तो यार देखो मेरे जो है रेड वॉरियर्स बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं है, बिकॉज़ मैंने गलत रेड वॉरियर्स को अपग्रेड करके रखा है। अभी 2,00,000 कॉइन मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, जैसे ही 2,00,000 कॉइन जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे भाई, तो अपन अच्छे वाले रेड वॉरियर्स को अपग्रेड करने वाले हैं, ताकि भाई रेड बहुत तगड़ा खेल सके। देखो मैं अपग्रेड करूँगा किया तोरी और बहन जो तीसरे वाला कौन है, पुट्टी को भी कर लेंगे, सही है। तो भाई खांसी आ रही है एंड बकैती चालू है, बस तुम लोग समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम को, ठीक है। और देखो यार आज भी देखो आई होप यार आप लोग नहीं क्या बोलना था मुझे मायो में, ओके। तो भाई ये था सबसे पहली बात, तो रायो रेंजर की अनबॉक्सिंग कर ली है एंड अलायंस वालों के साथ मिलके छोटा सा एकदम नन्नू के बराबर का गेम प्ले भी उसमें, ओ भाई सब क्रिटिकल क्या बात। तो अलायंस रेड की जो है मतलब है सीढ़ी का कौन से टॉपिक पे पहुंच गया मैं, तो भाई रायो की अनबॉक्सिंग कर ली है। आई होप आप सभी ने देखा होगा, एंड देखा होगा तो आप लोग बताओ कि रायो आप लोगों को कैसा लगा एंड उसका गेम प्ले मैं लेके आऊँ या नहीं। और अगर आप लोग को रायो पसंद है, अनबॉक्सिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले बता दो एक एम्बिशन का शार्ट मिला है, व्हाट द फक, ओके। तो यहाँ पे वाइट टॉमी टॉमी भी कंप्लीट एंड इसमें से भी मेरे को एक नौकरिया। भाई भाई कितने नौकरिया के शार्ट दोगे, लेवल कितना कराना चाहते हो, 10-15 लेवल की करा दो नौकरिया, मज़ा आ जाएगा। बस इसको नर्फ मत करना, क्योंकि बाकी सारे तो रेंजर तुमने ऑलरेडी नर्फ कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मैं किस टॉपिक पे था, कहाँ पहुँच गया, मेरे को टॉपिक भी नहीं याद रहा। अगर आप लोग को याद है तो बता देना, फिलहाल अब हम बातें तो कर नहीं रहे, जो मैं आगे बोल दूँगा फिलहाल इस टॉपिक को वहीं पे नहीं, कुछ था ऐसे ही टॉपिक की शायद, पता नहीं क्या टॉपिक था यार, भूल गया, ओके। तो कोई नहीं, रामरश, ओ भाई साहब कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हाँ आजा आजा आजा, भर दिया, ओके। 42K ऑलमोस्ट 43,000 का, ठीक है। मजदूरी चालू है भाई, सब क्या नाम था उसका, ओके ओके चलो लपेट देंगे भाई। डिफेंसिव बहुत मारते हैं, एक तो मेरे पास डिफेंसिव रहता भी नहीं है फिलहाल। यहाँ पे मेरे पास 2 डिफेंसिव मूव थे, एक शील्ड अभी है एंड एक पहले था उसका मूव, ठीक है, 3 ही पिकॉस वाला। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं एक तोरी को अपग्रेड करूँगा, सही है, किया भी सही है एंड तीसरा पुट्टी भी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड एक और वॉरियर अपग्रेड करूँगा जो डिफेंडर में हो एंड बढ़िया फास्ट हो, एकदम मेटा टाइप, और भाई वो एकदम मतलब नर्फ वगैरह होने का उसका कोई चक्कर ना हो, ताकि भाई फ्यूचर में मेरी अपग्रेडिंग वेस्ट ना जाए। बाकी आप लोग बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सा वाला बेस्ट है जिसको मैं अपग्रेड करूँ रेड के लिए। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट है किया एंड तोरी और यार पुट्टी कॉमन है, उसमें मेरे अकेले के 1.5 लाख जो है वो कॉइन लग जाएंगे करीब। पुट्टी मेरे पास लेवल 9, 8, 10 है, पता नहीं भाई जो कितने लेवल का है। अगर इसको मैं लेवल 13 करूँगा तो 11 स्टेप पे मांगेगा मुझसे वो 20,000, नहीं 11 स्टेप पे वो 11 स्टेप पे 20,000, 12 स्टेप पे 1,00,000, नहीं 12 स्टेप पे 50,000 एंड 13वें स्टेप पे 1,00,000। तो 1,70,000 तो पुट्टी में ही लग जाएंगे ना, वो पुट्टी को छोड़ो, पुट्टी तो कॉमन है, छोड़ो उसकी, मांगा कॉमन में बहुत अपग्रेड मांगता है भाई, कॉइंस बहुत लगते हैं।
तो अपन ईपिक ईपिक को ही करेंगे, जो भी ईपिक अपने पास है उनको करेंगे। पिछले वाले नोट में अपने को मिला एक वाइट निंजा का लीडर शार्ट, जिसको नहीं मिलता है उसको देते नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है तो दिए चल रहे हैं भाई। वाह 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 वाह, चलो अच्छी बात है। वाइट निंजा अब नर्फ होने से रहा नहीं भाई साहब, क्या फास्ट स्पीड इसके बाद, ओ भाई पिछवाड़े पड़ गया, क्या बात है। तो वाइट निंजा को लेवल 3 है ऑलरेडी, लेवल 5 करा दो, शायद मेरे पास लेवल 3 है यार। कोई तो एनवे वालों मेरे को रेड से एक ही रेंजर के शार्ट दो, बदल बदल के शार्ट मत दो यार, एक रेंजर के मेरे को इतने शार्ट दे दो कि मैं लेवल 6-7 कर लूँ भाई, 7-7 कर लूँ एक महीने में मैं, ठीक है समझ रहे हो। सारी रेड वीडियो, सारा रेड में खेलूँगा, सारा कैजुअल ट्यूसडे फ्राइडे लवड़ा लहसुन सब खेल डालेंगे अपन भाई साहब। पीछे से जो साउंड इफेक्ट आ रहा है वो मैंने ऐड किया है, कोई पीछे दौड़ नहीं रहा, समझ रहे हो, कोई पीछे दौड़ नहीं रहा, मैंने ऐड किया वो साउंड इफेक्ट भाई, बहुत तगड़ा मुझे लगा, मैंने ऐड कर दिया, समझ रहे हो। ओके तो मैं चाहता हूँ कि भाई एक वॉरियर एटलीस्ट मेरे पास लेवल 5 हो जाए तो मज़ा आएगी पूरी, ठीक है। एकदम चिल मार के एकदम भाई करेंगे अपन लेवल 5 से रैंक पुश, लेवल 5 नहीं तो लेवल 7 ही करा दो यार, कुछ तो करा दो एनवे वालो, नहीं लेवल 7 तो साला लेवल 9 करा दो। इपिक की बात करो, लेजेंडरी नहीं, लेजेंडरी लेवल 7 तक ही जाता है, इपिक लेवल 9 जाता है, समझ लो लेवल 9 तक करा दो। एंड बूम बम यहां से मिलेगा नौकरिया भाई, नौकरिया की बारिश हो रही है भाई साहब, क्या बात है। तो मैं बड़ा खुश प्रसन्न एंड उत्तेजित हूँ भाई कि नौकरियाँ बहुत मिल रही है, शायद मेरी लेवल 3 हो जाए, पता नहीं मेरे पास कितने लेवल की है, मैंने देखा नहीं। वो बात कुछ इस तरह की है यार, सारे रेंजर्स तो अभी है अपने पास, कुछ ऐसा बचा नहीं है जो ना हो। रायू नहीं था वो भी ले लिया, अब बारी है वेंजिक्स की, क्योंकि सबसे पीछे खड़ा था, अब मेरी बारी है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ यार, मैं करीब 1 से 1.5 साल पहले की बात है, मैं भुखमरी से नहीं, मतलब वो गलत हो गया, 1-1.5 साल पहले की बात है, मेरे पास एक भी रेंजर जो है नहीं थे ज़्यादा, मतलब ऐसे, मतलब जो फ्री में मैं ले सकता हूँ मैंने वो लिए, 1-2 साल पहले की बात है यार, 1 साल नहीं ज़्यादा ही हो गया, मतलब करीब करीब मैं भूल गया, क्योंकि मैं यार काफ़ी लॉन्ग टाइम की बात है ना, समझ, 2 साल और पुरानी बात है, नहीं याद रहता यार। तो 2 साल पुरानी करीब करीब बात है, मैं लोगों को देखता था कि भाई सब नया वॉरियर जो आ रहा है वो लेते थे, परचेज करते थे, अपग्रेड करते थे, मेरे को साला साल बाद मिलता था वो आउट ऑफ प्रीमियम होके, उसके बाद नर्फ होके तब मिलता था भाई, उसका मज़ा भी ख़त्म हो जाता था। मैंने सोचा भाई कुछ तो गाड़ फाड़ करना है, कुछ तो बड़ा करना है, अपना बड़ा करना भाई, गर्लफ्रेंड बहुत परेशान है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा साली तीसरे के साथ भाग रही है, हम दोनों को छोड़ के, मेरा मतलब है हम दोनों, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के तीसरे के साथ जा रही है, क्योंकि भाई उसको, समझ रहे हो। तो फिर अब जो है अपन ऐसे लगाते हैं एंड जो है अनबॉक्सिंग करते हैं, तो अभी सारे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे वॉरियर्स हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ी देर का रह गया, 23 सेकंड्स का ऑलमोस्ट मैच रहता है अभी, तो ये ख़त्म करेंगे एंड होपफुली यहाँ से, अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू भाई साहब, बहुत मार रहा है। ओके तो मैग्ना स्ट्रॉम बहुत तगड़ा वैलेंट कॉम्बो के साथ, अगर एक कॉम्बो बन जाए तो मज़ा आएगा। ओके चलो 10 सेकंड रहते हैं, उसमें अपन क्या ही कर लेंगे, 1.5 लाख की अराउंड इसकी हेल्थ रह जाती है भाई। नोबल ब्लो अगेन, ओ भाई साहब 131, बहुत तगड़ा, आजा ब्रेक करो भाई, चलो ठीक है। तो इसी के साथ टाइम अप हो गया है, अभी एक मिनट के लिए अभी अपने पास और है चांस, क्या पता हम जीत जाएं, ठीक है, बाकी देखते हैं भाई क्या बनता है अपना। और यहाँ पे अपन गैल लेके आए हैं, गैल के साथ बढ़िया कॉम्बो बन जाते हैं, क्योंकि जितना लंबा गैल होती उससे ज़्यादा लंबा उसके गैल होती, समझ रहे हो, बहुत तगड़ा। तो आगे चल रहे हैं, मतलब कुल मिला के अभी जो है हम लोग लीड कर रहे हैं, ठीक है। ओहो 42K HP ओनली, 20312, ठीक है। अभी बची है सोनिक बूम बम पी लेंगे, उसके बाद ओ भाई साहब डिफेंस दे दिन, वाह अभी वो ब्रेकर सारा लिए है एंड मेरे को सब डिफेंस, वाह वाह वाह, एनमे वालो क्या तगड़ी टीम देते हो भाई खेलने। फिलहाल एक शेड निकाल के मेरे पास आ गया था एक बढ़िया मौका, तो लपेट दिया माना मैंने चौका। एंड यहाँ पे अपन एक क्लेम करेंगे लेजेंडरी रेंजर, ओ एंटोनियो असिस्ट, इसकी माँ का छोला, इतनी मेहनत करी भाई एंटोनियो असिस्ट के लिए, क्या ही बात है। तो यहाँ पे एक और कंप्लीट कर लेते हैं अपन नोट, फास्ट एकदम मैरिक मिला है एंड मिल ही गया है बस यार, मैरिक मिला है बहुत ही मजबूरी में, और जैसे तैसे उसको जो है खोल खाल दिया है। एक और कुछ दे दो, ओहो नौकरिया भाई साहब, लगता है नौकरिया से मेरा रिश्ते की बात चल रही भाई, इतना बस नौकरिया की मुँह दिखाई करा रहे। तो बस यार वीडियो यही था, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोको एंड नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, तब तक के लिए।